रुपनों में ये आयो चलकर वो नहीं चलते जो माहिर हैं हर फन में अक्सर उछल जाता है पानी ओछे बर्तन में देखिए उसमें तो मैं कुछ कहूंगा नहीं लेकिन हनुमान जी के लिए ऐसा शब्द कभी प्रयोग भी मत करना जय हो क्योंकि हनुमान के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा राम भैया बहुत कुछ जय हो। अब दूसरा मैंने कठपीस गाया कठपीस के बाद गीत गाया कि मरने वाले मर जाते हैं कब मर जाओगे आप संदो संत को दिखा रही है इच्छा मृत्यु वरदानी नहीं है राम भैया इसको भी नोट कर लीजिए कौन है अगर इच्छा मृत्यु वरदानी है तो वो त्रिलोत्तम से प्यार कर रही है आप कौन किससे कह रहा है कि मरने वाले मर जाते हैं ये बताइए आप जय हो। और दूसरा सुंद से कह रही है या उपसुंद से कह रही है जय हो लेकिन मामला आप पहुंच नहीं पाए राम भैया लेकिन इस गीत को जो पीस गाई है अनुज समेत गए प्रभु चलना इसको बहुत अध्ययन करना पड़ेगा वैसे उन्होंने खोल दिया इसको लेकिन आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा इसके लिए जय हो। आइए इनके कठपीस का जवाब सुनिए जय हो। अरे इनका नाम है चमेली का नाम है चमेली यही ग्वाल ने अलबेली कि चली आई है अकेली बीकाने ये दरवाजे पे पड़ी देर से हो पड़ी है दरवाजे पे ये पड़ी देर से हो पड़ी है दरवाजे पे ये पड़ी देर से लेकिन आप कह रहे हैं जय हो के एक ने इन्होंने लंका में आग लगाई जय हो और जाने घर में आग लगाई सोचो क्या होगा इन दोनों की बारात में ये है पहले तो मेल ही गलत है ये मेल ही गलत है रामू भैया गीत अगर आपने लिखा है पहले ये बताइए कि मंथरा का और हनुमान का मेल है जय हो आपने मेल कैसे कर दिया कि क्या होगा इन दोनों की बारात में सुनिए जवाब कि टेरी मेरी सही मंथरा भले नहीं है सुंदर जोड़ी
और बंदर है वो भी पशु, और वो मानव जाति की ये मंत्रा तो पशु और इंसान की कैसे जोड़ी बन सकती है? वो भी पशु, मैं पामर पशु कप अतिकामी। कि कैसे जोड़ी बनेगी नदी जाति का और बंदर में कैसे बने की बात बनाई yeah! के उनकी पूछ है रामा दल में yeah! सुनिए, नोट करिए, yeah! के उसकी पूछ है रामा दल में तो इसकी पूछ है राजमहल में yeah! और ये बाबूजी की तरफ से आशीर्वाद है। ऐसे होता है जवाब, पूछ है रामा दल में तो उसकी पूछ है राजमहल में, तो कितना अंतर है इन दोनों की हालत में। कितना अंतर है इन दोनों की हालात में। ऐसे आवाज उठवा, पहले गीत को सुनिए ठंडे दिमाग से है। या गीत को आप लिखते हो उस समय ठंडे दिमाग से लिखिए, आप ये नहीं देख रहे कि दोनों की जोड़ी बन कैसे सकती है। जय हो, कहां यही है पशु और मानव का मेल मेल नहीं होता है। और विशेष बात, रामू भैया वास्तव निर्णायक समिति भी ध्यान देगी कि रामू भाई से आज मेरा पहला कार्यक्रम है। मैंने वास्तव के यहाँ से लेकर राजस्थान तक कार्यक्रम गाया, लेकिन रामू भैया से आज पहला मुकाबला मेरा हुआ है। जय हो, ये भी हकीकत है। और दूसरी, आज मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, दूसरा एक कलाकार की कमजोरी और होती है, वो भी ध्यान देगी जनता जनार्दन। जय हो। देखिए, एक हमारे भाई हैं कौशल जी, कौशल जी जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। जय हो कौशल भाई, जरा हाथ खड़ा। ये वास्तविक मेरा भाई है, मेरे गांव का, मेरे चाचा का, लेकिन कलाकार की एक कमजोरी होती है। जय हो। राम भैया की कमजोरी नहीं है ना, यहाँ से दादा बसंत पतझड़ राजू मस्ताना जिद्दी जी कार्यक्रम होगा, लेकिन कौशल हमारे साथ होगा। हाँ। ले लो साहब कौशल को, आप तो क्या। हाँ, ले लो कौशल को। जय हो। राजू मस्ताना जी ने कार्यक्रम ले लिए, तो मैंने कही चलो कौशल को शाम को फोन कर दूंगा कि कौशल वहां चलना है। तासे पहले राजू मस्ताना ने कॉल कर दिया कि भैया मेरे ही संग चलना है। जय हो। ठीक है भैया, जा तोप को तुम ले जाओ। जय हो। की कमी नहीं है ये, बस यही कमजोरी कलाकार की बहुत गहरे के लिए ले जाती है। जय हो। क्या बात है। हेलो हेलो भाई साहब, भाई एक कठवी सोर गया, क्या कह रहे राम। हेलो हेलो, केवल एक मिनट। रावण मृत सैया पे पड़ा था, उसने राम को बुलाया अपने पास। जय हो। और कहा राम जी, आप ये मत समझना कि आपने ये लड़ जीत लिया है। क्यों ना, आप मुझसे सेना में बड़े हैं और ना ही आप मुझसे जाति में बड़े हैं और ना ही आप मुझसे विद्वान हैं, लेकिन मैं हार क्यों रहा हूं तुमसे, क्योंकि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है। जय हो। बहुत हूँ। आज रामू भाई से पहला कार्यक्रम हुआ, मैंने शाम को टेलीफोन किया, मेरे कौशल भाई जलेसर के पास कहीं कार्यक्रम है कि भैया मोह तो रामू भैया ने पहली बुक कर दू है। जय हो। मैंने दत्तू तो कैसी मत मैं समझाइए, अगर कह दिया है तो उन्हीं के साथ चाहिए। जय हो जय हो। जवाब दीजिए आगा आगे वाला। सुनिए, एक गीत और गाया भैया ने, क्या क्योंकि देखने वाले मतवारे हो जाएंगे। कौशल भैया, देखने वाले मतवारे हो जाएंगे और तुम्ही पर फिदाई बूढ़े बारे हो जाएंगे। हसीन चेहरा एक काम करो मेरे भैया, चुंदरिया ओढ़ लो सब तुम्हारे हो जाएंगे। ये बात है। ये गीत गाया
कौन सा? कि तू ही मेरी पहली ख्वाहिश कैसे? वो तारावती है, वो तारावती है। आप कई प्रसंग में दिखा रहे हैं, है रति बती तती सब आ गई। लेकिन ये देखिए जवाब कहां से निकाला जाता है कि एक नारी और देखो, श्री राम सन्मुख आके व्यथा है सुनाई। ध्यान देगी निराश समिति के वो नारी है कौन सी है? कि एक नारी और देखो रामा तल है श्री राम सन्मुख आके व्यथा है सुनाई। नारायण तत् उसका पति है, यह उसकी सती है। अब सुनिए ये नारायण तत् कौन है? ये नारायण तत् रावण का पुत्र है। निर्णायक समिति है बिल्कुल। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे सचिन देव जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये रावण का पुत्र है नारायण तत्। जय हो। के नारायण तत् उसका पति है, ये उसकी सती है, ये बिंदुमती है। इसको नोट करें, बिंदुमती। अरे ये नारायण तत् की पत्नी थी बिंदुमती, लेकिन आगे कहानी और है, इसको खोलने से फायदा क्या। अब सुनिए मेरी तरफ से गीत नोट करिए। गोपी चंद और तुलसीदास हो गए थे पैरागी, निज पत्नन से भिक्षा मांगे बने वो त्यागी। वो पत्नी से आके भिक्षा मांग रहे हैं गोपी चंद तुलसीदास के, मां भिक्षा दे। जय हो माता पत्नी को ही मां कह रहे हैं गोपीचंद तुलसीदास। लेकिन गीत के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन पति और अपनी पत्नी को मां कह रहा है। जय हो। आई एक धुन आई, ध्यान देंगे रामू भैया। अरे चुम्मा 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 Thank you.
प्रियतम माँ। क्या बात है कि तू जो मुझे नहीं मिले दिल मेरा नहीं खिला निकल जाएगा मेरा दम कि तू जो मुझे नहीं मिला दिल मेरा नहीं खिला निकल जाएगा मेरा दम प्रियतम चुम्मा 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 चुम्मा। और राहुल भैया अगर आपको परेशानी हो तो मैं इसका अंतरा भी कहूंगा दूं फिल्मी लाइन में कि हाय माँ हाय माँ हाय माँ कि क्यों तू मुझसे भागे हाय माँ हाय माँ हाय माँ मेरी जवानी तुझे मांगे चुम्मा चुम्मा हाय माँ हाय माँ हाय माँ क्यों तू मुझसे भागे हाय माँ हाय माँ हाय माँ मेरी जवानी तुझे मांगे चुम्मा चुम्मा रे कि दिल बहलाऊंगी मैं तेरे लिए गाऊंगी मैं नाचूंगी आज छम्मा कि दिल बहलाऊंगी मैं दिल बहलाऊंगी मैं तेरे लिए गाऊंगी मैं नाचूंगी आज छम छम्मा गी सुनिए कि सतयुग से कलयुग तलक और पत्नी करी प्रयोग जय हो सतयुग से कलयुग तलक पर पत्नी को अम्मा कहते हैं कुछ ऐसे लोग जय हो पत्नी को अम्मा कहते हैं जय हो अरे अम्मा अम्मा बहु अम्मा हो कि अम्मा अम्मा बहु अम्मा हो कैसो बनो है जीत तम्मा कि घर परिवार में सारे संसार में कहते हम माता कि घर परिवार में सारे संसार में कहते हम माता अम्मा अम्मा बहु अम्मा हो लेकिन हमारी तुम्हारी औकात क्या है अच्छे अच्छे क्या है कौन कौन कह रहा है सुनिए दुनिया को दुखी देखा तो दुखी देखा तो गोरा अंगार हुई है दुर्गम को मैं मारूंगी माँ शेर सवार हुई है संग्राम किया दुष्टों से माँ ने तलवार चलाई दुर्गम पापी को मारा तब माँ दुर्गा कहलाई सब खुशी के मारे दे देव जय कारे भोले देते पर डिस्का भैया
सब खुशी के मारे दे देव जयकार भोले देते पर के अम्मा अम्मा अब इसको ठंडे दिमाग से सुन लेना कि भोलेनाथ गौरा से कह रहे हैं अम्मा जय हो। और सुनिए दूसरे में, एक बार त्रेता में सहस्त्रमुखी रावण ने सहस्त्रमुखी रावण का राम से युद्ध हुआ जय हो। तब रावण ने एक ही बाण से भगवान राम को मूर्छित कर दिया है। जब मूर्छित कर दिया तब सिया ने काली का रूप धर लिया जय हो। देखे पति देव मूर्छित आई ने नो में लाली आई ने नो में लाली आई ने नो में लाली कर क्रोध एकदम पल में हो गई सिया माता रे हो गई सिया माता रे हो गई सिया माता रे। रावण तो मारा फिर भी रण देखी है किलकारी अरे देखी है दशा मुखड़े की तो बोले राम धनुधारे बोले राम धनुधारे बोले राम धनुधारे। भगवान राम ने जैसे ही उनका रूप देखा कि ये रूप कैसा कर लिया माँ सीता ने कि हम शरण तुम्हारी सुन ले मैं है तारी प्यार कुल है देव और ब्रह्मा हो। हम शरण तुम्हारी सुन ले मैं है तारी प्यार कुल है देव और ब्रह्मा अम्मा 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 हो यहाँ भगवान राम जब रूप देखा माँ सीता का तो वो भी कह रहे हैं माँ जय हो। अब तीसरे प्रसंग में सुनिए, ये बात उस समय की है, एक बार अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं जय हो। जब पैर दबा रहे हैं तो भीम ने धोखे से उनको देख लिया, निर्णायक समिति ध्यान देगी जब भीम ने देख लिया तो रात के समय द्रौपदी भीम देख रहे हैं कि द्रौपदी आखिर रात के समय जा कहां रही है जय हो। देखा एक जंगल में सिंहासन बना हुआ है, द्रौपदी बैठ जाती हैं और नीचे बहुत से देवी देवता बैठे हुए हैं और कह रही है द्रौपदी सुनिए, अब होना है जो आगे उसका भी ध्यान करना है, अरे भीम के खून से ही पहले मुझको खप्पर भरना है द्रौपदी ने नहीं देखा, लेकिन भीम चुपके से देख रहे हैं कि आखिर रात के समय द्रौपदी जा कहां रही है। जब इतनी बात कही कि भीम के खून से ही मुझको खप्पर भरना है तो चरणों में भीम गिरे हैं, बोले में शीश झुकाता तुम मुझे माफ कर देना तुम दीन दयालु माता मैंने पाप किया भारी बुरी बात बिचारी माँ मैं हूँ नीच निकम्मा। भीम कहने लगे द्रौपदी से हाथ जोड़ के जय हो, मैंने पाप किया भारी बुरी बात बिचारी माँ मैं हूँ नीच निकम्मा अम्मा अम्मा बहू अम्मा अब चौथे प्रसंग में सुनिए राजा भर्तरी की, उनके गुरु ने क्या कहा राजा भर्तरी से, क्या गुरु हो ज्ञान का दीपक
गुरु का ज्ञान निभाना, पहले अपने घर से ही इच्छा को लेकर आना। क्रोध कहे भूख भरतरी अपने ही घर को आए, माता भिक्षा दो हमको तब नारी से वचन सुनाए, जब कही दे माता भिक्षा दो संत पत को निहारी, सोच प्राणन प्यारी तन मन में चल रही दोबारा, संत पत को निहारी सोच प्राण प्यारी तन मन में चल रही, माँ मैं हूँ नीच निकम्मा, व्याकुल है देव और ब्रह्मा, भोले देते परिक्रमा, ये भी कर लो, अम्मा अम्मा बहू अम्मा हो, कि अम्मा 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 हो के सपनो है जीत तम्मा। जय हो। मानस सृष्टि का हुआ है मां से विस्तार, ब्रह्मा जी के विधि विधान की लीला अपोरंपार, कुछ कुछ वंश बड़े बिनमा के जो जग में विख्यात, मिली नहीं निज मां की ममता बड़े गजब की बात। देखिए मां की योनि से तो सभी ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ पिता के उधर से भी जन्म ले रहे हैं, उनके बारे में बता रहा हूं आपको। जय हो। एक धुन आई कि मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां, ब्रह्मदेव दीक्षित जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करूंगा। मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां, और ये कलियां बिछा के मैं सजा दूं तोरी गलियां, ये अखियां मिला मेरी अखियों से, दुल्हन नई नवेली के इनका नाम है चमेली, के ये है ग्वालन अलबेली, के चली आई है अकेली उधर से जन्म हो रहा है। जय हो। का नाम है मंधाता, yeah!
इनका नाम है मानधाता, के इनकी नहीं है कोई माता, के इनका नाम है मानधाता, के इनकी नहीं है कोई माता, के कैसा भाग्य में लिखा विधाता तुम भी देख लो, ये है ये तो अपने बाप से पैदा, जय हो, दुनिया माँ से होती है ये बाप से पैदा है, कि ये तो अपने बाप से पैदा, सब है कई नस्ल अलहदा, जय हो, कि ये तो अपने बाप से पैदा, सब है कई नस्ल अलहदा, निकली बिन गेहूं के मैदा तुम भी देख लो, निकली बिन गेहूं के मैदा तुम भी देख लो, ये विदेह वेदों के ज्ञाता, यहो विदेह, ये विदेह वेदों के ज्ञाता, इनकी नहीं है कोई माता, यहो के कैसा भाग्य में लिखा विधाता तुम भी देख लो, कि कैसा भाग्य मिले का विधाता तुम भी देख लो, आइए मेरी तरफ से राम रटना और आ रहे हैं जवाबी का तौर लेके राम भैया, कि राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम घट घट में लेता, एक राम का जगत पसारा, एक राम दुनिया से प्यारा, एक राम दुनिया से प्यारा, एक राम दुनिया से प्यारा, तो राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, एक बार चक्कर लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की।